ऐसी सिचुएशन में हम लोग के लिए सोचे अब इससे मैं मुनाफा करूंगी, मेरी छोटी बेबी, मेरा पैर एक हैंडीकैप है और मेरे शौहर का भी अब एक्सीडेंट हुआ है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा पहली बार मैंने फर्स्ट टाइम देखी, आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा घर भी चलेगा, दो पैसे भी आएंगे, इससे मैं मुनाफा भी कर सकूंगी और दूसरे लोग को भी ये होएगा मुनाफा है। इसमें क्या सिलाई फलाई भी होएगी, दो पैसा घर पे आएंगे, मेरा हस्बैंड नहीं है, मैं भी काम भी कर दे, खाना वाना बनाने को जाती हूँ, तो इसमें थोड़ा कोई मेरा हेल्प हो जाएंगे, मैं घर में घर चला सकती है इसमें, और उसमें मेरे को थोड़ा हेल्प मिलेगा इसमें, मेरा घर चलेगा इससे। हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैंडीकैप है और सर जो काम कर रहे हैं इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद सर। शुक्रिया है हमको, उन्होंने धंधा दिए, हम उनका शुक्रिया अदा कर दे। सर आपको मैं बहुत बहुत अप्रिशिएट करूंगा, मेकिंग द डिफरेंस का हमेशा कुछ ना कुछ मुझे ऐसा देखने को मिलता है कि हर बार कुछ नया, हर सेक्टर से जुड़े हो आप, तो मेरी दुआ है कि आप लोग इसी तरह से सेवा करते रहो और लोग आपके साथ जुड़ते रहें। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं मेकिंग द डिफरेंस की टीम और ये जो महिलाएं हैं, आज महिला दिवस है, 8 मार्च है और आज कहीं ना कहीं इनॉर्बिट मॉल वासी की तरफ से उनके योगदान से और मेकिंग द डिफरेंस के सहयोग से आज करीबन 100 ऐसी महिलाएं जो ज़रूरतमंद हैं उनको सिलाई मशीन दिया जा रहा है और सिलाई मशीन देने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं इससे वो अपने घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके, सिलाई करके कुछ कमाई हो सके, यानी इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्त बनाना है, महिलाओं को रोज़गार देने के लिए करीबन 100 मशीन इनऑर्बिट मॉल वासी की योगदान से, उनके डोनेशन से और मेकिंग द डिफरेंस जो हमेशा हर किसी समाज में जिस चीज़ की भी ज़रूरत रहती है, जिस चीज़ को भी वो महसूस करते हैं कि ये करना चाहिए, वो बड़े ही दिल से करते हैं और मेकिंग द डिफरेंस कहीं ना कहीं इस चीज़ को कर रही है, पूरा कर रही है। अच्छा, उन्होंने शुरुआत किया है मेकिंग द डिफरेंस। मैं अभी डॉक्टर शाही एंड द्विती मेहता और उनकी मम्मी जी उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको सब बुलाते हैं, उनके लिए और कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जिनको ज़रूरत है वो ज़रूरत मेकिंग द डिफरेंस के माध्यम से एक पूरे टीम ने उनको आइडेंटिफाई किया है और उनका जो काम अभी मैं देख रही हूँ, उनके साथ बात कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं पढ़ा वहाँ पे कि मेकिंग द डिफरेंस एनजीओ पार्टनर वहाँ पे है, तो अभी मैंने उनको भी पूछा कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रोल ऑफ मेकिंग द डिफरेंस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। सो इन ऑर्बिट इज प्रोवाइडिंग द मशीन्स बट द पीपल हु आर रियली नीडेड, सो दैट आइडेंटिफिकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड दैट इम्पॉर्टेंट रोल इज हैज बीन प्लेड बाई मेकिंग द डिफरेंस। सो मेकिंग द डिफरेंस इज बीइंग वेरी फैंटास्टिक रोल, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और फॉर फ्यूचर के लिए उनको ऑल द बेस्ट एंड आई थिंक यू विल बी इन टच। मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा इफ मेकिंग द डिफरेंस विल जॉइन अस इन NMMC फॉर द बेटरमेंट। थैंक यू सो मच। तो मुझे लगता है क्योंकि एक घर में अगर हम एक जन की भी मदद करें तो उससे दूसरे 4 जन का लाइफ चलता है। जैसे किसी की एडुकेशन को, एक माँ को आज हम सिलाई मशीन दे रहे हैं तो किसी की एडुकेशन हो रही है, किसी की वेडिंग हो रही है, किसी की मेडिकल देखभाल हो रही है, खाना हो रहा है, किसी का सिर्फ बेसिक खाना उससे मिल जाएगा। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी गुड डीड एंड आई ऑल्सो थैंक इनऑर्बिट टू रियली कम अप एंड हमारे माध्यम से ये उनको जो हेल्प पहुंचाई जा रही है, आई थिंक इट्स रियली कमेंडेबल। मतलब मैं चाहूँगी कि हर कोई, हर कॉरपोरेट या हर इतनी बड़ी बड़ी जो फर्म्स है, मैं उनको भी कहूँगी कि हमारे साथ जुड़े और इसे ऐसे हिस्से ले और यू नो मुझे लगता है कि सिर्फ वहाँ बैठे हमें अप्रिशिएट करने के बदले हमारे साथ जुड़ के खुद अप्रिसिएशन और खुद ये फीलिंग ले, उसकी मैं गुजारिश करूँगी। हमारे साथ है दीपक विश्वकर्मा जी। मेकिंग द डिफरेंस हमेशा कुछ ना कुछ नया करती है, ये बहुत अच्छा है कि आप ऐसे लोगों को, ऐसे डोनर्स को भी ढूंढते हो जो समाज में अच्छा काम करते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन उनको माध्यम चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए और कहीं ना कहीं वो प्लेटफॉर्म मेकिंग द डिफरेंस बनता है। आज महिलाओं को एक बोलते ना कि एक इस तरह का जो सहायता प्रदान करके जिससे वो सशक्त होंगी, वो अपना रोज़गार खुद से कर पाएंगी और कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगा, कैसा महसूस करते हैं और क्या संदेश देंगे? सर बहुत खुशी होती है कि आज हम समाज में कुछ अच्छा कार्य कर पा रहे हैं
और इसका सबका श्रेय हमारे उन जो भी दानदाता हैं उनके लिए है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे कार्य करना चाहते हैं, उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, मेकिंग द डिफरेंस वो प्लेटफॉर्म उनको मुहैया कराता है। और आज खुशी है, आज इनऑर्बिट मॉल की तरफ से आज हम महिलाओं को, ऐसी विधवा महिलाएं और स्पेशली एबल्ड जो पैरों से विकलांग है, ऐसी महिलाओं को सिलाई मशीन दे रहे हैं जिससे वो अपना रोजगार कर सके। तो ऐसी महिलाओं को ये मशीन दिया जा रहा है जिससे वो अपने घर में रोजगार करके कुछ पैसे कमा सके और घर को और अच्छी तरीके से चला सके। ये जो मशीन मिल रहा है, इस मशीन का क्या उपयोग करेंगी आप? कपड़ा सिलाती है, मेरी बेटी सिलाती है। आपकी बेटी सिलती है कपड़े? हाँ सिलाती है। तो ये मशीन से आपको क्या सहायता मिलेगी? मिलेगी ना, पैसा मिलेगी, कमाएंगे उसके ऊपर भी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। हाँ, मेकिंग द डिफरेंस एक ऐसी एनजीओ है जो हमेशा जो है एकदम पूरी ईमानदारी से उनको जो भी काम सौंपा जाता है वो करती हैं। तो ऐसे बहुत सारे दानदाता हैं जो वेट करते हैं, जो जिनको पता नहीं चलता है कि उनका जो डोनेशन है वो सही माध्यम सही लोगों तक पहुंचेगा कि नहीं। तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑफ कोर्स मेकिंग द डिफरेंस वो संस्था है जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं ज़रूरतमंद लोगों को ढूंढ ढूंढ करके मदद आप पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको वुमेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे बड़ी बात मेकिंग द डिफरेंस की आप एक हिस्सा हैं कहीं ना कहीं कोर टीम की, और मैं आपको मेकिंग द डिफरेंस के हर इवेंट में देखता हूं। आज महिला दिवस के अवसर पे इन करीबन 100 महिलाओं को जिस तरह से मेकिंग द डिफरेंस जो है मदद कर रही है, इनसे मैंने बात की, कहीं ना कहीं सब ऐसा लग रहा था कि इसको ले करके वो अपना रोज़गार कर पाएंगे। समाज के लिए, ऐसे सक्षम लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि किस तरह से और लोगों को आगे आना चाहिए और इन महिलाओं का जो ज़रूरतमंद है उनको मदद करना चाहिए? नमस्कार सबको, और थैंक यू वेरी मच महिला दिवस की शुभकामना देने के लिए। मेरा बस यही है कि जैसे हम वुमेंस डे मना रहे हैं आज, और इट्स स्पेशली फॉर वुमेन, एक स्पेशल दिन है उनके लिए, तो मुझे लगता है कि बीइंग अ वुमन टुडे आई फील वेरी प्राउड दैट आज एक वुमन जैसे कि मेरी माँ है, उनकी वजह से आज मैं जहाँ पे हूँ। ये नहीं है कि डैडी नहीं या पापा, डैडी का कोई रोल नहीं होता है ऐसे, बट माँ जो होती है वो हर कदम पे हमको हेल्प करती है, सपोर्ट्स फॉर एवरीथिंग। मतलब हर, मुझे लगता है कि कोई भी एक जन ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरी माँ नहीं सपोर्ट करती है। माँ एक ऐसा है जो हमेशा सपोर्ट करती है, किसी भी सिचुएशन में आपने गलती करी हो या कुछ भी हो, वो माफ भी करती है, वो माफ करती है, सपोर्ट करती है। एग्जैक्ट, तो ऐसा लगता है कि उनके सपोर्ट से आज हम इतने एक अच्छे पोस्ट पे हैं, अच्छा अर्निंग है, सब कुछ है। तो जो सोशली, सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो कम्युनिटीज़ है, अगर हम अपनी जो थोड़ी प्रिविलेजेस से उनकी अगर थोड़ी मदद कर दे, आज कोई भी अगर बैकवर्ड है तो वो उनकी गलती से नहीं है, सर्कमस्टेंसेस शायद उनकी लाइफ से पहले वैसे रही होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ वी आर प्रिविलेज्ड, इट्स आवर ड्यूटी टू कम अहेड, हेल्प देम अ लिटिल। इट इज़ अ वेरी इमोशनल थिंग एक्चुअली, कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग सिर्फ मतलब रस्ते पे मांगते हैं, बट ये कभी नहीं सोचते कि हम लोग पैसे भी कमा सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में बैठ के ज़रूरतमंद होते हैं, बट उनका कोई ज़रिया नहीं होता है। तो हम लोग का एक इनिशिएटिव है मेकिंग द डिफरेंस का, कि हम लोग ऐसे लोगों की मदद करें, इन लोगों को कुछ दे कमाने का ज़रिया, ताकि उन लोग दो पैसे कमा के अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सके। सर आपको मैं बहुत बहुत अप्रिशिएट करूंगा, मेकिंग द डिफरेंस का हमेशा कुछ ना कुछ मुझे ऐसा देखने को मिलता है कि हर बार कुछ नया, हर सेक्टर से जुड़े हो आप, तो मेरी दुआ है कि आप लोग इसी तरह से सेवा करते रहो और लोग आपके साथ जुड़ते रहें। थैंक यू सो मच।